संविधान में सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और अगर संघ परिवार बार बार ये कहता है कि वर्ड सेकुलरिज्म ऐड किया गया तो वो भी उनकी जहालत है। अगर वो भारत के संविधान की आर्टिकल 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30 पढ़ेंगे तो ये पूरा रिफ्लेक्शन है भारत के सेकुलर ट्रेडिशन का, और ये भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है। तीसरी बात यह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या संघ परिवार हो, जब उनको सूट करता हुआ कहते हैं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है, अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की वजह से भारत को पूरे विश्व में जो रिकग्निशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। चौथी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद जब सेकुलरिज्म की याद जिस तरह की योगी बात में प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सर पर उठा लेके बोले कि यही मेरे लिए किताब है, तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के इस तरह की बात करते हैं। चौथी बात यह कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है, भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि जो लोग जिसको हम अपने फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, मुंशी हो, ये आज़ाद साहब हो, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सब लोग ये फैसला किए कि भारत सेकुलर होगा। और अगर भारत की पूरे विश्व में अगर इज्जत नहीं है सेकुलरिज्म की वजह से, तो फिर योगी आदित्यनाथ को कंप्लेन करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि भाई देखिए भारत की इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में। अगर भारत की इज्जत नहीं है तो किसकी वजह से नहीं हो रही है? चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, किसकी वजह? सेकुलरिज्म को चीन कब्जा करा जमीन पर भारत की। आज हम डेपसांग को छोड़ रहे हैं तो इसे क्या सेकुलरिज्म की वजह से? हमारे अतराफ में जितने पड़ोसी हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं तो क्या सेकुलरिज्म कैसे देख रहे हैं? आप बताइए उनको, अगर आज पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हो रहा तो सेकुलरिज्म कैसे हो रहा है? हजारों की तादाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भारत में, तो क्या सेकुलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार सेकुलरिज्म है? तो ये इनका एक डबल चेहरा है, जहां उनको सूट करता हूं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर मैं देश के तमाम जनता को बता रहा हूं जिनको भारत के सेकुलरिज्म पर नाज है, आज सेकुलरिज्म है, कल बात आ जाएगी फ्रेटर्निटी पर, कल बात आ जाएगी जस्टिस पर, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और संघ परिवार को समझना चाहिए कि लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। प्रियम्बल में लिखा गया ना लिबर्टी का मतलब क्या है? फिर वो इस तरह की बात करके वो तो पूरे संविधान की तोहीन कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की तोहीन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी की तोहीन कर रहे हैं, और ये इनका डबल चेहरा है। जहां पर सूट करता बोलते हैं कि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए सेकुलरिज्म है, अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत नहीं हो रही है, तो भाई आप कंप्लेन करिए ना प्रधानमंत्री को जाकर, 6.5 साल से तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से नाकाम साबित हुए। सवाल इंग्लिश में कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि आया नहीं था अंदर, पीछे कहां गया, किधर गया? पीछे अंदर आया तो पीछे गया ना, और वो तो पोंगसोंग सू लेक में आप पीछे था, जेमसांग तो छोड़ दिया आप, क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से चाइना आया था? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम लोग वो पूरा डेपसांग को छोड़ दिए? उसका जिम्मेदार कौन है फिर, आप बताइए ना। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ गई, एलपीजी बढ़ गया है, पूरे महिलाएं परेशान है, तो सेकुलरिज्म की वजह से? आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही सेकुलरिज्म की वजह से। आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन कर देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं, वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? अरे भाई आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या?
भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है, कभी आप बोलते कि नहीं, ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, हम बेटा के खिलाफ नहीं है, हम बोले आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और इस बारे में तो पहले बोल चुका हूं। अब बात हो रही योगी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ऊपर। भाई आपसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, 25 क्या है, 26, 29, 30 क्या है, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, क्या है लिबर्टी का मतलब, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेकुलरिज्म। और एक भारत की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात करता है और बीजेपी खामोश बैठी है। देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी ना है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ